ऐसा है असल कुछ? देखें इस क्लिप के अंदर भी ना आप देखें कि पढ़नी कुरान पाक की आयत है लेकिन मतलब अपनी मर्जी का निकालना है उसके तर्जमे में खुली तहरीफ करनी है उसकी तशरी के अंदर खुली तहरीफ करनी है अपने पास से उसके अंदर इजाफा करना है ठीक है और पूरा कुरान पाक नहीं पढ़ना ना आयत के पीछे से पढ़ना है ना आय के आगे बताना है और कॉन्टेक्स्ट कुरान पाक का ये कुरान पाक के कॉन्टेक्स्ट के सही वाले कर सही वाले हैं इसकी दलील भी देते हैं इन्होंने अपना काम शुरू किया है ये सारे जितने इनके किताबचे पढ़े हैं हर किताबचे में इन्होंने चंदा मांगा है पहले अच्छा। सफ़े ही चंदा मांगते हैं अच्छा। कि हमने कुरान पाक का तर्जमा शाया कर रहे हैं उस पर तेजी से काम जारी है अच्छा। हमें चंदा दें अभी तक चंदा मांग रहे हैं आप इनकी साइट पे चले जाएं आप इनकी किसी चीज सामने आएगी ना वो डोनेशन है चंदा दें हमें। मांग रहे हैं ना हाँ। वो तो अपने कुराने का स्कॉलर पोर्ट्रे कर रहे हैं तो वो चंदा मांग रहे हैं तीस साल दो में ये कहते हैं मुझे तीस साल हो गए तो अब इनको सैतीस साल हो गए सैतीस साल से इन्होंने पुराने पाक की एक सूरत का तर्जा नहीं किया अच्छा इतना एक लेक्के ऊपर बयान करते हैं अच्छा तो अब कहा के पूरे वाक में से अगर इन्होंने छ या सात आयात ली हैं तो उनको भी उस लेक्चर में छह या सात आयात मौजूद हैं लेकिन उनको एक तरतीब में नहीं पढ़ेंगे बाद वाली को पहले फिर सबसे शुरू वाली को फिर दरमियान वाली को ऐसे घुमाएंगे तो आपका क्या ख्याल है ये तर्जमा क्यों नहीं करते पूरे कुरान का? पकड़े जाते हैं पकड़े जाएंगे हाँ। ये भी काफ़ी है जितनी आयात का किया है ना सिर्फ़ रहीम पे पकड़े जाते हैं अच्छा बिस्मिल्ल रहीम का तर्जा ये रोज बदलते रहते हैं हाँ। इनका एक दावा है कि मैं वर्ड टू वर्ड इनके अगर आप फॉलोअर से बात करें ना वो कहेंगे वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करो आपका लफ्ज पकड़ लेंगे ना कि ये लफ्ज कहाँ से लेके आए हाँ। तो बिस्मिल्लाहमान रहीम पे मैंने पूछना शुरू किया कि ये जो, तुम कहते हो, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है हाँ। ये जो का लफ्ज कहा से लेके आए अच्छा सही तो अब इन्होंने जो का लफ्ज काट दिया काट दिया पुरानी किताब देखे उनके अंदर जो का लफ्ज मौजूद है तो ऐसे इनको तो बिस्मिल्लाहमान रह का तर्जुमा बदलना पड़ा सही और ये सूरत जो है आ, पूरी सूरत का आ, अब इस वक्त इनके किताबचें जितने मौजूद हैं उसमें किसी एक भी पूरी सूरत का तर्जुमा मौजूद नहीं है सूरत कौसर का मौजूद नहीं है सुरः अखलास का मौजूद नहीं है सुरह फ़ातहा का मौजूद नहीं है लेकिन इन्होंने सुरः अखलास और सुरह फातहा का तर्जुमा किया लेकिन जिस किताबचे में किया हुआ वो किताबचा पूरे का पूरा मौजूद नहीं है वो बेसिक्स थी इन तर्जुमों में तो इतनी गलतियाँ इतनी गलतियाँ हैं ना जो इनके बनाए हुए उसूलों के खिलाफ जाती हैं ये कहते हैं एक लफ्ज का जो तर्जुमा एक जगह पे कर दिया बाकी पूरे कुरान में भी वही होना चाहिए तो इनके एक ही सफ़े के ऊपर दिखा देंगे कि यही ये हरफ पड़ा है इसका ऊपर तर्जुमा कुछ कर रहे हैं इसका बाद में कुछ कर रहे हैं काना का तर्जु इसी आयत में जो सूर्य हजाब की आयत है थर्टी थ्री की काना अबा रसूल कान अब इसमें काना दो दफा आया ना पहले काना का तर्जम खास तौर पर किया हुआ था दूसरे काना का तर्जमा हुआ है वो भी उन्होंने उलट किया हुआ जिसका है बनता था उसका था किया जिसका वो इस तरह किया हुआ लेकिन वो बात तो यह है कि इनका अपना उसूल यह है कि हमने एक तर्जुमा रखना है हाँ। तो वो उसूल था इनका एक एक आयत में टूटता है बेशुमार दफ़ा टूटता है आप कहाँ कहाँ से बार बार अपने किताबचों को बदलेंगे ना